अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम SST पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है आई यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, आप अपनी बुक देखिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देखेंगे, यानी सिलेबस देखेंगे कि आपका चैप्टर क्या क्या आ रहा है आपके हाफ़ेली एग्ज़ाम में। तो हमने आपको पिछली बार बताया था कि हाफ़ेली एग्ज़ाम में जो हमने टेक लगवाया था उसमें हमने ये बता दिया था कि PA First का सिलेबस भी हमने बता दिया था। ठीक है, हमने ये बताया था ना PA First का भी आ जाएगा, मगर PA First का इसमें नहीं आएगा, तो इसे आप रब कर लीजिए। ठीक है, PA First का इसमें नहीं आएगा। और हमने ये SA1 लिखाया था, SA1 हाफ ईयरली एग्ज़ाम को ही कहते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो आप, तो हम इसे दोबारा सही करा देते हैं, रिकरेक्ट करा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, PA First का, जो कि अब आपको पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। अब आपको क्या पढ़ना है, मतलब हाफ ईयरली के लिए, जिसे हम SA1 में हमने जो बोला था आपको, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, सिर्फ ये चार चैप्टर आपके किस में आएंगे, हाफ ईयरली के। ठीक है, ये किसके हो गए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के हो गए। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कितने चैप्टर आएंगे आपके, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, यही आपको चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8। हमने पिछली बार आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4 भी पढ़ना है, तो 1, 2, 3, 4 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके PA First में आ चुका है, इसलिए एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा आपके, सिर्फ 5, 6, 7, 8, यही चारों चैप्टर आपको तैयार करने हैं, यही आपका इसी का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में सिर्फ यही चारों चैप्टर आएंगे, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर चुके हैं और 7 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या कर लेंगे, हमारा जो लास्ट चैप्टर है उसके बाद हाफ ईयरली का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हमारा, चैप्टर नंबर 8 इसका, नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट करेंगे, पेज नंबर 49। इसे ओपन कर लिए, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 49, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल का मतलब तो आपको पता ही होगा। खैर, तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ टॉप पर क्या लिखेंगे आप, पार्ट लिखेंगे। पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट 8 है ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पार्ट 8। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट, किस दिन की डेट लिखेंगे यहाँ पर, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर आप डेट मेंशन कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें जिन चीज़ों के को हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती है, रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज, वो ज़रूरतें, वो चीज़ें जो हमें नेचुरल से मिलती हूँ, कुदरत से मिलती हूँ, वो क्या हो जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाती है। वो सारी ज़रूरतें वो सारी चीज़ें जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाती है। और अगर वही रिसोर्स हमें कुदरत की तरफ से मिले, नेचुरल की तरफ से, नेचर की तरफ से, तो हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें पता है वाटर है, लैंड है, लैंड यानी ज़मीन, एयर है हमारी हवा, या सनलाइट है सूरज की रोशनी, या फॉरेस्ट हमारे जंगल, एनिमल्स यानी सारे जानवर, या मिनरल्स जो होते हैं सब वो, एंड नेचुरल आर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, सब कुदरत से ही तो मिलता है ना। हमने पानी बनाया है, ना ज़मीन बनाई है, ना हवा बनाई है, ना सूरज, ना जंगल, ना जानवर, ना कोई भी मिनरल, सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, हमारी ये पहले से कुदरत में बना रखा है। ये सारी चीज़ें नेचुरली अकर होती हैं, मतलब ये नेचुरली बनी हुई हैं पहले से, हम लोग तो बस इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हमें मिल कहाँ से रही हैं ये सारी चीज़ें, नेचर से मिल रही है, कुदरत से मिल रही है। ठीक है, हम लोगों का इसमें अपने आप कुछ हमने इसमें बनाया नहीं है। सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, सब कुछ नेचर से मिल रही हैं, पानी, हवा, ज़मीन, आसमान, सूरज की रोशनी, धूप, गर्मी, सर्दी, सब कुछ, सारे सीज़न जो भी कुछ है, सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से। ये एग्जाम्पल दी है सारी नेचुरल रिसोर्सेज की, दे आर गिफ्टेड टू अस बाई नेचर एंड आर यूज बाई अस टू स्टे लाइव। और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं हमें, ये सब चीज़ें हमें नेचर से, कुदरत से हमें गिफ्ट के तौर पर मिली हैं, और हम लोग इसे यूज़ करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे ज़रिए यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, हम लोग अपने आप को इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, टू स्टे अलाइव, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। ठीक है, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे, सनलाइट बहुत मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, फॉरेस्ट नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे, जानवर नहीं होंगे, तो कैसे हम ज़िंदा रहेंगे, जंगल नहीं होंगे तो हमें लकड़ी कहाँ से मिलेगी, पेड़ पौधे कहाँ से मिले, और जैसे मेडिसिंस होती हैं, सारी दवाएं जो होती हैं वो भी यहीं से मिलती हैं, पेड़ों से। ठीक है, फल, सब्जियाँ, ये सब हमें यहीं से मिलती हैं, तो हम खा पी क्या पाएंगे अगर जंगल नहीं होंगे, या जानवर नहीं होंगे, तो कुछ जैसे हम कुछ जानवरों को भी खाया जाता है,
ठीक है, जानवर हमारा क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम मेंटेन करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हुई, एक भी चीज़ नहीं हुई, तो हमारा पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा सब। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये हमारे लिए ऊपर से कुदरत की तरफ से गिफ्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन बिकॉज कंट्रीज विद मोर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम कैन यूज़ देम टू जनरेट रेवेन्यू। अभी क्या कह रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है आर कॉल्ड द वेल्थ ऑफ अ नेशन, उसे किसी नेशन की वेल्थ बताया जाता है। मतलब जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होता है, कहते हैं कि उतनी ज़्यादा उस नेशन में उसकी कीमत है, मतलब मैं उसके पास उतनी ही कीमत है, उतनी ज़्यादा वो अमीर है। मतलब जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, उतनी ज़्यादा पैसा होगा, उतनी ज़्यादा दौलत होगी, उतनी ज़्यादा अमीर होगा वो। कैसे, ये कह रहे हैं बिकॉज कंट्रीज़ विद मोर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये कह रहे हैं बिकॉज क्योंकि वो कंट्री जिसके पास मोर वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगी, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की उसमें ज़्यादातर वैरायटी हो, जैसे कि उसके अंदर ऑयल गैस, जैसे कोई कंट्री मान लो वहाँ पर ऑयल गैस मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल रही है, ठीक है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं उससे रिलेटेड। तो ये कह रहे हैं वो उसे यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट रेवेन्यू, पैसा बनाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा पैसा जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब जैसे सऊदी अरेबिया है, सभी को पता है वहाँ पर पेट्रोल, ऑयल, गैस ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने अपने जो कुएँ होते हैं, जिनके पास मेनली जो कुएँ होते हैं, जिनके पास जो शेख होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा वो एक्सपोर्ट करते हैं इधर से उधर, दूसरे कंट्रीज़ में ऑयल भेजते हैं, तेल भेजते हैं, पेट्रोल भेजते हैं, और इसी वजह से उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, अमीर होते हैं वो लोग। तो इसीलिए कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे हम उससे, उतना ज़्यादा हम पैसा उससे बना पाएंगे। अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट रियलाइज द वैल्यू ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। अभी कह रहे हैं जो अर्ली ह्यूमंस होते थे, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ली मैन कहते हैं, वो वाले लोग जो होते थे, जो पहले ज़माने में रह के गुजर गए, चले गए, जो अब मतलब मर चुके हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, इस नेचुरल रिसोर्स के इम्पोर्टेंट के बारे में, इसकी अहमियत के बारे में इन लोगों को वैल्यू नहीं थी, ठीक है, इसकी वैल्यू या इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में इन्हें कुछ खबर नहीं थी कि ये इतनी ज़्यादा, इसकी इतनी वैल्यू है या इतनी इज्जत है इसकी, ये नेचुरल रिसोर्स की इतनी वैल्यू है, या ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें ये फ़ायदा पहुंचा सकता है, इन्हें कुछ वैल्यू नहीं थी, मतलब इस सब चीज़ों से वो बिल्कुल अनजान थे, इन्हें कुछ नहीं पता था। हाउएवर स्लोली दे लर्न टू मॉडिफाई देम इन टू यूजफुल थिंग। फिर हल्के हल्के क्या हुआ, इन्हीं अर्ली मैन ने हल्के हल्के यही नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें कुदरत की तरफ से सारी रिसोर्सेज मिलती हैं, चीज़ें मिलती हैं, इन्हें ही मॉडिफाई कर करके अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे पत्थर, पहले लोग पत्थर ऐसे ही पड़ा रहता था, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, फिर क्या हुआ, पत्थरों के औज़ार बनाने लगे, लकड़ियों के औज़ार बनाने लगे, घर बना बना के रहने लगे, ठीक है, और जानवरों के स्किन्स को यूज़ करके अपने कपड़े बनाने लगे। तो हल्के हल्के लोग बाग ये अर्ली मैन जो थे वो सीखने लगे कि कैसे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए, कुदरत की दी हुई चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ टाइम्स हैव चेंज एंड ह्यूमन बींग्स आर डिस्ट्रॉइंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज बाई ओवर यूजिंग देम। अब ये कह रहे हैं, और अब का क्या वक्त है, अब इतना ज़्यादा तबाही मचा रखी है ह्यूमन बींग ने, इंसानों ने, कि इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को, यही कुदरत की दी हुई चीज़ों को इतनी बुरी तरीके से, इतने ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ओवर यूज़ की वजह से ये इसे तबाह कर देंगे, एक दिन ऐसा आएगा ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हर कोई लालच की वजह से, कुछ लोग लालच की वजह से, कुछ लोग पैसा कमाने की वजह से, जैसे कि अब कुछ लोग हैं जो जंगलों में जाते हैं चोरी छुपे, और इलीगल तौर पे बिना किसी के परमिशन के जाते हैं, पेड़ पौधे काट के ले जाते हैं, ठीक है, वो पेड़ जो बिल्कुल ही बहुत महंगा होता है, उसे अगर मार्केट में बेचा जाए तो उसकी अच्छी खासी कीमत मिलेगी, मगर वो चोरी छुपे जाते हैं, उसे तोड़ काट पीट के उसे बेच देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लोगों के लालच की वजह से हमारे जंगल बर्बाद हो रहे हैं, और जब जंगल कटेंगे तो फिर जानवर इधर उधर भागेंगे, फिर वो सड़कों पे आते हैं इधर उधर, तो सड़कों पे या तो फिर जानवर इंसान को खा जाता है, या इंसान अपने आप को बचाने के चक्कर में उसका शिकार कर लेता है, तो क्या होता है, इससे ज़िंदगियों का भी नुकसान होता है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं ओवर यूज़ की वजह से जो अब जो टाइम है, अब ये चेंज हो गया है, ह्यूमन बींग जो है वो पूरी तरह से इन नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह करता जा रहा है उसके ओवर यूज़ की वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, ठीक है। अब उसे लालच आ गया है कि मैं ये काट के इसे बेचूंगा तो ये मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, चाहे उसका जंगल हो चाहे नहीं, मगर चोरी छुपे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जंगलों में महंगी महंगी लकड़ियाँ होती हैं, उन्हें बेचते हैं, ऐसी ऐसी लकड़ियाँ जो सबसे महंगी होती हैं, ठीक है, सील और टीक, बहुत ऐसी ऐसी कई वेराइटीज़ होती हैं, तो वो इतनी महंगी होती है,
जिसमें बैन भी लगा होता है कि यहाँ पर लकड़ी नहीं काट सकते, मगर कुछ लोग चोरी छुपे इलीगली काटते हैं। इसी तरह से हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं, तो हाथी के दांत चोरी छुपे उनका शिकार करते हैं, हाथी के दांत तोड़ के उनके दांतों को बेचते हैं। इससे क्या होता है, हाथी मर भी जाते हैं काफ़ी, ठीक है, एलिफेंट्स मर भी जाते हैं। तो उससे क्या है, एक दांत के चक्कर में आपने इतना बड़ा जानवर मार दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तबाह कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, ओवर यूजेस की वजह से, लालच की वजह से। दे आर क्लियरिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और लोग बाग क्या कर रहे हैं, जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं। क्यों, अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े जंगल काट रहे हैं, ठीक है, कि अपनी फैक्ट्री बना पाएँ वहाँ पर, अपने घर बना पाएँ, अपनी इंडस्ट्रीज बना पाएँ। एज अ रिजल्ट ऑफ आवर वॉन्ट्स, मतलब हमारी चाहत के हिसाब से रिजल्ट क्या होता है इसका, वी आर किलिंग फॉरेस्ट लाइफ एंड डिस्ट्रॉइंग द वुड्स टू मेक स्पेस। हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट की लाइफ को, जंगली जानवरों को, जंगल के रहने वाली जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, और एंड डिस्ट्रॉइंग द वुड्स टू मेक स्पेस फॉर एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। और क्या कर रहे हैं, उन लकड़ियों को बर्बाद करते जा रहे हैं, उन लकड़ियों को काटते जा रहे हैं, उन पेड़ों को हटाते जा रहे हैं, किसके लिए, सिर्फ उन इंसानों के लिए जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा बढ़ते ही जाएंगे। उन इंसानों के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, उन इंसानों के लिए जानवरों का घर तोड़ रहे हैं, वो इंसान जिसकी आबादी कभी रुकेगी नहीं बल्कि बढ़ते ही जाएगी, एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, ठीक है, कभी उसे रोक नहीं सकता कोई, ऐसी पॉपुलेशन के लिए। दिस ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज मेकिंग द कंट्री पुअरर एज द रिसोर्सेज आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। और इसी वजह से क्या होता है, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की वजह से क्या होता है, मेकिंग द कंट्री पुअरर, हमारी जो कंट्री है इससे एक समय ऐसा आएगा बहुत गरीब बन जाएगी, गरीब हो जाएगी, क्योंकि सब उसका सारा रिसोर्सेज हम पहले ही यूज़ कर लेंगे, तो आगे जाके क्या रिसोर्स यूज़ करेंगे, कुछ रिसोर्स नहीं होगा, फिर दूसरी कंट्री से मांगेंगे, फिर दूसरी कंट्रीज़ क्या करेगी, खूब अच्छे अच्छे दाम मांगेगी, खूब अच्छे अच्छे पैसे लेगी, तो फिर आपको देना पड़ेगा, आपके पास जब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी तो आपको मजबूरन लेना पड़ेगा, उनसे ख़रीदना पड़ेगा, वो कितनी भी डिमांड कर लें, तो क्या होगा, हमारी कंट्री से गरीब हो जाएगी, हमारी कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे जब वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर क्या आया, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं हम, कितने हिस्सों में बांट सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, दो हिस्सों में, टू टाइप्स में हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर पाएँ, रिन्यू कर पाएँ, ठीक है, एक बार एग्जॉस्ट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद हम उसे दोबारा बना पाएँ, या खुद कुदरत में अपने आप नेचुरली वो एक अकर हो जाए, नेचुरली नेचुरली बन जाए, तो उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जो एक बार ख़त्म हो जाए तो हम दोबारा उसे यूज़ नहीं कर सकते, या तो फिर हम दूसरा खरीदेंगे, या दूसरी जगह से लेंगे, या तो फिर उसी को जो हम पहले से उसे यूज़ कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, वो दोबारा रिन्यू नहीं होगी, दोबारा नहीं बनेगी, इसलिए हम कहते हैं इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहला क्या है हमारा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अलग अलग पढ़ेंगे हम दोनों को। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किस नाम से जानी जाती है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के नाम से भी जानी जाती है, मतलब जो एग्जॉस्ट ना हो, जो ख़त्म ना हो, रिन्यू होता रहे, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स अगर कोई आपसे कहे, या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स कहे, मतलब वो सेम बात कह रहे हैं, वो सेम चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। These resources can be replenished. Replenish मतलब वो resources दोबारा हम fulfill कर सकते हैं, बना सकते हैं, दोबारा भर सकते हैं, हम use करने के बाद दोबारा उसे तैयार कर सकते हैं, या naturally वो खुद अपने आप कुदरत में तैयार हो जाती है। जैसे sunlight, water and air are called renewable natural resources. Sunlight जैसे हम सूरज की रोशनी है, आप कितनी भी इस्तेमाल कर लिए, अगले दिन सूरज आएगा, फिर वैसी धूप की रोशनी होगी, गर्मी होगी, आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे पानी है, पानी को छोड़िए, पहले एयर पे देखिए, एयर है, जैसे आप हवा का कितना भी इस्तेमाल कर लिए, कितना भी यूज़ कर लिए, ये ऐसा रिसोर्स है, ये इनएग्जॉस्टेबल है, ये रिन्यूएबल है, मतलब ये रिन्यू होता रहेगा, इनएग्जॉस्टेबल मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ऐसा रिसोर्स है। अब वाटर की बात करें, तो वाटर का ये कहा जाता है, पानी रहेगा मगर इंसान के मिस यूज़ करने की वजह से, गलत इस्तेमाल करने की वजह से, पानी एक ऐसा हाल ऐसी हालत में पहुँच जाएगा कि पीने के लिए नहीं रहेगा, ठीक है, फ्रेश वाटर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान जो है ना उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, गंदा कर रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी नदियां हैं, समुंदर हैं, इधर उधर लोग वह क्या करते हैं, अपना घर का
जो गार्बेज है, डंप है, सारी चीज़ें उसी में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा पीने का पानी था वो क्या हो जाता है, गंदा पानी होता है, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है, जिससे क्या होता है, फिर बीमारियाँ भी पैदा होती हैं और हमारा फ्रेश वाटर भी ख़त्म हो जाता है, आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। और ये तीनों क्या है हमारे, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। या अगर आपसे कोई पूछे कि रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जाम्पल बताइए या इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की एग्जाम्पल बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सनलाइट, वाटर, एयर। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये कह रहे हैं ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी जानना कि जो हमारे प्लांट और एनिमल हैं वो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। मगर आपने देखा होगा कि अगर हम एक प्लांट काटते हैं तो दूसरा प्लांट उगा भी सकते हैं, मगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी दोबारा बनने में, मतलब रिसोर्सेज को रिन्यू होने में काफ़ी टाइम लगता है। अब आपने छोटे छोटे पौधे उगा दिए, 10-12 पौधे उगाए और पूरा जंगल साफ कर दिया, आप चाह रहे हैं कि अब कट करने की, फॉरेस्ट को कट करने की स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब तक वो ग्रो करेगा नया प्लांट, जब तक तो हमारा पौधा, सारा जंगल साफ हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा टाइम के हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। अगर हम 2 पेड़ काट रहे हैं तो 10 लगाएं, और इतना टाइम गैप देना चाहिए हमें कि वो पौधा, वो पेड़ बढ़ जाए, तब हम दूसरा काटें। कि अगर हम पूरा साफ कर देंगे और फिर क्या लगेगा, 10-12 साल में, 2 साल में, चलिए 4 साल में, 3 साल में अगर पेड़ उगता भी है तो बहुत समय लग जाएगा, उतने में तो हम पूरा जंगल साफ कर चुके होंगे। अब फिर क्या है, एयर। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, हमें अभी बताया कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। हर इंसान को, हर जिंदा चीज़ को एयर की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। क्यों, क्योंकि एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हम इनहेल क्या करेंगे, मतलब हम सांस क्या लेंगे, अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो हमारी लाइफ जब भी पॉसिबल है जब हमारे पास एयर हो, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट एयर, यही कह रहे हैं कि अर्थ पर एयर है, इसी वजह से हम अर्थ पर रहते हैं, इसी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है। अगर एयर हमारी अर्थ पर नहीं होती तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होती अर्थ पर। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी कैसी एनर्जी है, वो एनर्जी जो कि हमें सन से मिलती है, सूरज की तरफ से। इट रेफर्स टू द हीट एंड लाइट दैट वी गेट फ्रॉम द सन। और ये सोलर एनर्जी में क्या आती है, वो गर्मी, वो हीट, या वो रोशनी, वो लाइट जो कि हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, सन से रिसीव होती है। द एनर्जी फ्रॉम द सन कैन बी यूज एज थर्मल एनर्जी और कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी। और जो एनर्जी हमें सन से मिलती है हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा सोलर कुकर या सोलर पैनल देखा होगा, सोलर कुकर नहीं भी देखा होगा तो सोलर पैनल देखा होगा, जो छतों पे, छत पे हमारे एक छतरी टाइप की लगी होती है, उससे क्या होता है पूरे दिन धूप जब होती है तो वो धूप को खींचता रहता है और वो हमारा जो बैटरी है वो चार्ज होती रहती है, वो चार्ज होती रहती है, होती रहती है। फिर रात में क्या होती है, वही जो बैटरी हमारी चार्ज हो गई होती है धूप से, उसी बैटरी की मदद से हम अपनी LED या जो हमारी लाइट होती है, बल्ब होते हैं हमारे, वो हम जलाते हैं। तो हम उसमें क्या होता है, बिजली की हम यूज़, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। बिजली किससे तैयार हो रही थी, होती है वहाँ पर, सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी बची, बिजली का बिल भी बचा, और सोलर एनर्जी को जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है हम उसे अच्छी तरह से यूज़ भी कर रहे हैं, और यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगा हमारा, वो इनएग्जॉस्टेबल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो इनएग्जॉस्टेबल है। अब ये सोलर वाटर हीटर है, ये इससे पानी गर्म करने का है यहाँ पर, है ना। द एनर्जी फ्रॉम द सन कैन बी यूज एज थर्मल एनर्जी और कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज टू रन सेवरल इक्विपमेंट्स लाइक सोलर कुकर। अभी कह रहे सोलर एनर्जी काफ़ी इक्विपमेंट्स चलाने के लिए यूज़ करी जाती है, जैसे सोलर कुकर, वाटर हीटर, या सोलर पावर इज़ ऑल्सो यूज टू पम्प वाटर फॉर इरीगेशन। और सोलर पावर किस लिए यूज़ किया जाता है, पानी को पंप करने के लिए, पानी को पूरे इरिगेशन के लिए, पानी जब हम खेतों में इरिगेशन करते हैं, पानी पहुंचाते हैं, उसके लिए भी सोलर पावर को यूज़ करते हैं, पानी को पंप करने के लिए, ठीक है, पानी को पहुंचाने के लिए। फिर आई हमारी विंड। अभी हमने सबकी एग्जांपल्स जो हमने बताई थी आपको, विंड, सोलर, एयर और सॉइल, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अलग अलग। विंड क्या है हमारा, फास्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, सभी को पता है। एयर क्या होती है और विंड क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एयर तो हमारी सिंपल हवा को कहते हैं, वही हवा जब वो अपनी स्पीड में चल रही हो, स्पीड पकड़ ले, तेज़ रफ्तार में चल रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं।
ठीक है। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तेज चलने वाली हवा को क्या कहते हैं हम, विंड। विंड एनर्जी इज द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ विंड अक्रॉस द अर्थ। मतलब जो हमारी विंड एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होती है, कैसी एनर्जी, वो एनर्जी जो हमें विंड से मिलती है, मूवमेंट ऑफ विंड से मिलती है अक्रॉस द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो हमारी विंड, हमारी जो तेज़ चलने वाली हवा है वो जब चलती है तो उससे क्या होता है, हमें एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड होती है, ठीक है। वो एनर्जी जो हमें मूवमेंट की वजह से मिलती है, विंड के मूवमेंट से की वजह से मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, विंड एनर्जी। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू विंड मिल्स। और हम, अब आप कह रहे हैं कि चलिए हवा तो तेज़ चलती है, हमने भी आपने भी कई बार महसूस की होगी, ठीक है, कहीं तूफान आया, कहीं आंधी आई, आपने भी महसूस की होगी हवा तेज़ चल रही है, मगर हम उसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, इसे हम कहते हैं विंड मिल। इसमें वायर्स कनेक्टेड होते हैं, मोटर्स, जो भी जनरेटर वनरेटर जो भी कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हवा चलती है तो ये सब मूव करते हैं, पंखे इनके घूमते हैं, जब पंखे घूमते हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू विंड मिल। विंड मिल के जरिए हम विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए। ह्यूज विंड मिल्स हैव बीन सेटअप एट मैनी प्लेसेस, ये कह रहे हैं बड़े बड़े विंड मिल्स ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं जहाँ पर विंड एनर्जी, मतलब विंड एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, जैसे कि जहाँ पर मूवमेंट ऑफ विंड ज़्यादा होता हो, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल हैव टेकन द लीड इन यूजिंग विंड मिल्स। ये कह रहे हैं, ये जो मैंने स्टेट्स के नाम बताए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, ये ऐसी ये सब क्या है, ये सब वो जगह है जहाँ पर विंड मिल का यूज़ होता है। मतलब यहाँ पर एयर काफ़ी तेज़ चलती होगी तभी तो विंड मिल लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम यूपी में लगाएंगे तो यूपी में मेरे हिसाब से इतनी तेज़ एयर नहीं है जिससे ये विंड मिल के इसके ये मिल्स इसके ये हैं ये चल पाए, ठीक है, इसका जो फ़ैन है ये मूव कर पाए। तो ये फ़ैन ही नहीं मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। तो ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हमें फास्ट मूविंग एयर मिल जाएगी, जहाँ पर हमें विंड का अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर विंड मिल को यूज़ किया जाता है। अब सॉइल है, सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल एक नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। हम सभी को पता है अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर जो होता है हमारा, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम जो हमारी ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट की। इन विच प्लांट ग्रोस, जिसमें हम प्लांट उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। अब ये मत समझिए कि खाली ऊपर की रेत होती है हमारी सॉइल, ठीक है, सॉइल का भी काफ़ी नीचे तक गहराई होती है, काफ़ी मोटी परत होती है इसकी, काफ़ी मोटी लेयर होती है कि, ठीक है, मतलब जिस एरियाज में, जिस ज़मीन के उस हिस्से में जहाँ पर हम पौधे उगाते हैं, प्लांट उगाते हैं, ठीक है, जिसमें उसकी जड़ें जाती हैं, वो पूरा एरिया हमारा क्या होता है, सॉइल। इट प्रोवाइड अस वेरियस थिंग्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और ये हमें काफ़ी थिंग्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। कैसे, अब हमें ये कपड़े कैसे दे रहा है, घर कैसे दे रहा है, शेल्टर मतलब छत, छत कैसे प्रोवाइड हो रही है, या हमें फूड कैसे प्रोवाइड हो रहा है। तो जब हमारी सॉइल रहेगी तो हम उसमें पेड़ उगा पाएंगे, पेड़ उगा पाएंगे तभी हमें खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। और अगर हमारी सॉइल ही नहीं रहेगी तो हम अपना घर कहाँ बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपने सुना होगा सॉइल इरोजन होता है तो वहाँ की मिट्टी उड़ के चली जाती है ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर, तो टॉप मोस्ट लेयर में क्या होता है, हमारी फर्टिलिटी होती है, अगर वो उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी तो यहाँ की फर्टिलिटी भी उड़ के चली जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इसीलिए हमें सॉइल इरोजन को भी बचाना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, सॉइल कंजर्वेशन शुड ऑल्सो बी अवर गोल एज इट सस्टेन प्लांट लाइफ। तो सॉइल कंजर्वेशन भी हमारा गोल होना चाहिए, सॉइल को बचा के रखना भी हमारा गोल होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारे प्लांट की लाइफ को सस्टेन करता है, हमारी प्लांट की लाइफ को बचाता है। फिर आया नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। हमारा फॉरेस्ट जो है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। प्लांट गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट हमें क्या देते हैं, फूड और ऑक्सीजन देते हैं। आपको पता होगा फॉरेस्ट में हमें क्या मिलता है, प्लांट, ठीक है, अलग अलग तरह के ट्रीज, ठीक है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अगर आपने देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन जो लाते हैं, मेडिसिनल प्लांट हमें वो फॉरेस्ट में ही मिलते हैं। तो वही कह रहे हैं, प्लांट गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। अगर हम जंगलों को काट देंगे तो हमारे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा, और फूड जो हमें प्रोवाइड होता है वो भी कम हो जाएगा। ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। सारे तरह के जानवर वो प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं खाने के लिए। ट्रीज़ आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। और जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी जानवरों के घर होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं काफ़ी, काफ़ी इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं,
उन सबका घर क्या होता है, वो पेड़ों पे ही रहते हैं, तो वो ट्रीज जो है वो उनका क्या हो गया, शेल्टर हो गया। दे प्रोवाइड शेल्टर, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और यही फॉरेस्ट हम क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर ताज़ा हवा प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ऑल सॉइल इरोजन को भी बचाते हैं। मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम द रूट्स लीव्स एंड इवन बार्क्स ऑफ सम ट्रीज़। और जो हमारी दवाइयाँ हैं वो किस किस चीज़ों से बनती हैं, पेड़ों की रूट्स से, उसकी पत्तियों से, एंड इवन बार्क्स ऑफ सम ट्रीज़, और कुछ कुछ तो उसकी बार्क से, बार्क मतलब छाल, पेड़ों की छाल से। हेंस दे आर ऑल नोन एज ग्रीन गोल्ड। इसी वजह से हम फॉरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, ग्रीन गोल्ड के नाम से, ठीक है, हरा सोना ग्रीन गोल्ड के नाम से। क्योंकि आप देखिए इसमें हमें कितनी सारी सोर्सेज हैं, जो हमें रिसोर्सेज हैं हमें प्रोवाइड हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अभी हमने किसके बारे में बात की अभी तक, रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। वंस दे आर एग्जॉस्टेड लाइक मेटल, कोल एंड पेट्रोलियम, दे कैन नॉट बी रिप्लेस। ये कह रहे हैं अगर हम एक बार उन्हें एग्जॉस्ट कर दें, ख़त्म कर दें, यूज़ कर लें, लाइक मेटल, जैसे कि मेटल्स या कोल या पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अगर हम इन्हें एक बार यूज़ कर दें तो ये दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकती, दोबारा हम इसे तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, किसी अपने बाइक के अंदर पेट्रोल डाला हमने, तो बाइक चलाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, पेट्रोल हमारा ख़त्म हो जाएगा, दोबारा हम उसी पेट्रोल को दोबारा नहीं बना सकते, हमें दोबारा दूसरी जगह से पेट्रोल खरीदना पड़ता है। और वो पेट्रोल हम जितनी बार खरीदते हैं, जितनी बार यूज़ करते हैं, वो पूरी की तरह गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब हम उसे रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते। दीज रिसोर्सेज आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज को हम किस नाम से जानते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के भी नाम से जानते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम और क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल, और रिन्यूएबल को हम क्या कहते थे, इन एग्जॉस्टेबल। रिन्यूएबल और इन एग्जॉस्टेबल एक ही नाम था, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, इन एग्जॉस्टेबल, ठीक है। इन एग्जॉस्टेबल किसे कहते थे हम, रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या कहते हैं, इन एग्जॉस्टेबल। रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या कहते हैं हम, इन एग्जॉस्टेबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या कहते हैं हम, एग्जॉस्टेबल, जो एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल हमारे ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं एग्जॉस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड इन लिमिटेड क्वान्टिटी। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हमारे मेटल्स हैं वो अर्थ के बिल्कुल डीप में, बिल्कुल गहराई में हमें मिलते हैं, ठीक है, एंड आर इन लिमिटेड क्वांटिटी, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, मतलब अगर हमने इन्हें एक बार ख़त्म कर लिया तो सालों साल, मिलियंस ऑफ, करोड़ों बिलियन साल लग जाते हैं इन्हें बनने में, जब तक तो हम मर भी चुके होंगे, हमारे खानदान वाले पता नहीं कितने ज़माने के लोग ख़त्म हो चुके होंगे, फिर पता नहीं कितने करोड़ों साल बाद कोई दुनिया अगर आएगी तो हो सकता है उन्हें मिल जाए यूज़ करने को, वरना मुश्किल है उन्हें मिले, ठीक है। फिर आया हमारा कोल। कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू माइनिंग। कोल तो आप जानते होंगे, कोयला जो होता है हमारा, कोल वो कहाँ से मिलता है, माइनिंग के जरिए अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसे हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बिजली बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कोल को, और भी काफ़ी चीज़ों को मैं यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल टू कुक फूड, खाना पकाने के लिए भी हम एज अ फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं। टू रन स्टीम इंजन एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज चलाने के लिए, ठीक है, भट्टियाँ जो होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, या हमारे जो स्टीम इंजन था हम उसमें भी हमने कोल का ही यूज़ करा था उसे चलाने के लिए। अवर कंट्री हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, हमारा जो कंट्री इंडिया है इसमें लार्ज लार्ज रिजर्व ऑफ कोल है, मतलब काफ़ी अमाउंट में कोल मिल जाएगा आपको, काफ़ी अमाउंट में कोल यहाँ पर मिलता है हमारी कंट्री इंडिया में। फिर क्या है, बट दे विल गेट एग्जॉस्टेड इफ़ यूज़ केयरफुली, मगर ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से, और फिर दोबारा हमें नहीं मिल पाएगा अगर ये ऐसे ही केयरलेसली यूज़ करते रहे, ठीक है, बिना ध्यान दिए, लापरवाही के साथ अगर हम ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे, बस इस्तेमाल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, दूसरों से ना परवाह है ना कुछ, अपना मिल जाए ख़त्म करे जा रहे हैं, आगे की नहीं सोच रहे हैं, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा ख़त्म हो जाएगा सारा कोल, फिर हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए, केयरलेसली यूज़ करने से क्या होगा, ये एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। फिर आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोलियम क्या है,
पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोलियम जो होता है, आप सुन रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे पेट्रोल है ये, पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोलियम को ही हम रिफाइन करते हैं, उसे छानते हैं, काफ़ी प्रोसेस होते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं अलग अलग तरीके से क्या इसे प्रोसेस किया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, उसमें एक वैक्स होती है, ठीक है, मोम टाइप की होती है, जो उसे अलग किया जाता है, जिसे हम वैसलीन और अपनी जो हमारी कोल्ड क्रीम होती है उससे बनती है, ठीक है। तो पेट्रोलियम को छानते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, तो उससे हमारा पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, गैस बनती है, अलग अलग, जैसे गैस अलग कर देते हैं, डीजल अलग कर देते हैं, पेट्रोल अलग कर देते हैं, वो वैक्स अलग कर देते हैं, और सबके फिर अलग अलग यूज़ होते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रन कार्स, बसेस, ट्रक्स, स्कूटर्स, शिप एक्सेट्रा, ये कह रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किस लिए, कार को चलाने के लिए, बस को चलाने के लिए, ट्रक को, स्कूटर को, शिप को, जहाज़ों को, इन सब को चलाने के लिए हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम में हमारा पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, गैस आ गई, ठीक है। द वर्ल्ड हैज़ लिमिटेड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, हमारी जो दुनिया है इसमें लिमिटेड सप्लाई है पेट्रोलियम की, मतलब सबको पता है कि हमारे पास इतना पेट्रोल है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमारे पास इतनी हवा है, हम नहीं बता सकते हमारे पास कितनी हवा है, ठीक है, रोज़ के रोज़ हमारी हवा बनती है, रोज़ हम यूज़ करते हैं, ख़त्म नहीं होगी। पेट्रोल के बारे में हमें पता है कि हमारे पास इतना पेट्रोल है, एक दिन ऐसे ही अगर हम ऐसे ऐसे यूज़ करते रहे तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, सबको पता है इसके बारे में। द वर्ल्ड हैज़ लिमिटेड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं हम, अभी हमने बताया था, ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, फॉरेस्ट को। और अगर आपसे कोई पूछे ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम को कहते हैं ब्लैक गोल्ड, ग्रीन गोल्ड कहते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है। फिर आया हमारा मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, फिर आया हमारा मिनरल्स, मिनरल्स में क्या है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोग्रेस, हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनरल्स। जैसे अवर इंडस्ट्रीज़ डेवलप विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी किससे डेवलप हुई हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की मदद से ही डेवलप हुई हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स नहीं होते तो हमारी इंडस्ट्रीज़ वहीं के वहीं रहती, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता। इंडिया इज़ अ मिनरल रिच कंट्री, और इंडिया जो है एक मिनरल रिच कंट्री में आता है। इंडियाज़ मेजर मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूड कोल, आयरन, आयरन और माइका, बॉक्साइट, नेचुरल गैस, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। जो इंडियाज़ इंडिया की मेजर मिनरल रिसोर्सेज हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें क्या क्या आता है, उसमें कोल आता है, आयरन यानी लोहा आता है, आयरन और आयरन के साथ कुछ गंदगियाँ मिली होती है, उसे हम कहते हैं ओर, मतलब जब हम उसे अलग कर देते हैं तब ओर पोर्शन अलग होता है, ओर में से हम आयरन निकालते हैं, ठीक है, मतलब ये मिक्सचर होता है काफ़ी चीज़ों का, ठीक है, ये समझ लिए कि ये यूज़ के लायक नहीं होता है, हमें पता होता है कि इसके अंदर ओर है, आयरन है, मगर कुछ प्रोसेस के बाद फिर आयरन हमें प्योर फॉर्म में निकलता है, तो अगर वो जब प्योर फॉर्म में नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं ओर, चाहे वो आयरन का हो चाहे किसी का हो, तो हम कह रहे हैं आयरन, ओर, माइका, बॉक्साइट, नेचुरल गैसेज, लाइम स्टोन, ये सारी चीज़ें हमें इंडिया के अंदर एज अ मिनरल के तौर पर हमें मिलती हैं, ठीक है, हमारे ये मेजर मिनरल रिसोर्सेज हैं। टू मच एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज मिनरल्स विल डिप्लीट द रिजर्व ऑफ़ दीज मिनरल, और अगर हम ऐसे ही जिस हिसाब से अगर हम यूज़ कर रहे हैं और ज़मीन में से खोद खोद के इसे माइनिंग कर करके, या जिस भी तरीके से हमें ये हासिल हो रही है, अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे, इस्तेमाल करते गए, निकालते गए, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा ये सारे मिनरल्स हमारे रिजर्व में से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, हल्के हल्के करके बिल्कुल ही इसका नामो निशान मिट जाएगा। फिर आया हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब जब ये सारी चीज़ें हमें पता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वन बाई वन, डे बाई डे हमारे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका कंजर्वेशन करना चाहिए, इसे बचा के रखना चाहिए, कैसे, नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज़ वेरी वाइजली सो दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत वाइजली, बहुत दिमाग से, बहुत चालाकी से, अकलमंदी से हमें यूज़ करना चाहिए कि वो हम लास्ट टाइम तक, लास्ट लॉन्ग लास्टिंग के लिए, मतलब हम काफ़ी लंबे समय तक उसे इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है, सो दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, आजकल हर कोई पेट्रोल, बाइक, साइकिल नहीं यूज़ करता है, मेनली हर कोई चाहता है बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, तो वो क्या करता है, फिर पेट्रोल यूज़ करता है, पेट्रोलियम का यूज़ होता है उसके अंदर, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, गैसेस का यूज़ होता है, जैसे सी एन जी यूज़ होती हैं कुछ, जैसे हमारे ऑटो होते हैं, ऑटो रिक्शा, उसमें सी एन जी यूज़ होती है, तो इसी तरह से क्या होता है, लोग बाग अपनी फैसिलिटीज़ के लिए, अपने आराम के लिए, फ्यूचर के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो आगे ज़माने में लोग आएंगे तो क्या होगा, हम सारा सामान जब यूज़ करके ख़त्म कर देंगे, सारा पेट्रोल, सारा डीजल, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर उन लोगों को तो पूरी तरह से पैदल चलना पड़ेगा, उनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि हम फिर से पूरा अली मैन वाला ज़माना आ जाएगा, हाथों से सारे काम होंगे,
ठीक है, तो हमें अकलमंदी के साथ यूज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए बचा के रखना चाहिए कि जो आगे की जनरेशन आए वो भी इन सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाए। वी शुड नॉट वेस्ट देम, उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी नीड टू कंजर्व देम, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर फैक्ट की बात तो ये है कि हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, इस्तेमाल बेकार तरीके से इस्तेमाल करने से अच्छा है उसे हम बचा के रखें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल टू सेव सम ऑफ देम फॉर द कमिंग जनरेशन, और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो एक्सट्रीमली एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस लिए, टू सेव सम ऑफ देम, कि उसमें से हम थोड़ा बहुत बचा पाएँ जो हमारी आगे की जनरेशन है उनके लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अ बैलेंस इन नेचर, और हमारे नेचर में, हमारे कुदरत में बैलेंस बना के रखना भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द सिंपल वेज इन विच वी कैन कंट्रीब्यूट टू सेव द इन्वायरमेंट आर, अभी करें कुछ इम्पॉर्टेंट वेज है जिसके तरीके से, जिस तरीके से हम अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें हम बचा सकते हैं अपने आप को, कैसे अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। पहला है हमारा कंजर्व ट्री, पेड़ों को बचाना। फिर है हमारा कंजर्व वाटर, वाटर को बचाना। कंजर्व ट्री में क्या है, यूज़ रिसाइकल पेपर प्रोडक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज़। आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, पेपर पे एक लाइन खिंच गई तो ये ख़राब हो गया, फाड़ के उसे फेंक देते हैं, तो उसे हमें एज अ रफ़ कॉपी, फिर उसे हमें कबाड़ी वाला जो होता है, जो कबाड़ा लेने आता है उसे बेच देना चाहिए। क्यों, क्योंकि फिर वो बेच के उसे हम क्या करते हैं, वो क्या करता है उसका, वो जाके फैक्ट्रीज में दे देता है, फिर वो रिसाइकिल होकर आता है, फिर हम रफ़ कॉपी के तौर पर उसे यूज़ करते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिसाइकिल करके, जो रिसाइकलेबल चीज़ हैं उसे हम रिसाइकिल करके चीज़ करें, यूज़ करें, वरना अगर हम नए नए पेड़ काट, मतलब नए नए अगर पेपर बनाएंगे तो उसके लिए पेड़ की ज़रूरत पड़ती है, पेड़ से ही तो बनता है पेपर, ऐसे ही करते रहे तो क्या होगा, पेड़ ज़्यादा काटने पड़ेंगे, पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। अननेसेसरी यूज़ ऑफ पेपर मस्ट बी अवॉइड, फालतू के इस्तेमाल के लिए जो हम पेपर यूज़ करते हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। नेट बैंकिंग सर्विस मस्ट बी यूज, और जो हमारी नेट बैंकिंग सर्विसेज हैं वो यूज़ करनी चाहिए, मतलब कलम और जो हम कॉपी और पेजेस का यूज़ होते हैं, करते हैं, वो सारी चीज़ें कम करके हम नेट बैंकिंग यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटराइज सारा काम स्टार्ट करना चाहिए हमें, जिससे हम पेपर का यूज़ कम कर सकें। फिर हमारा कंजर्व वाटर, पानी को बचाना चाहिए, कैसे, कंजर्विंग वाटर इज़ ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी के लिए हमारा जो ये है कि पानी को बचाना, ये प्राइम इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेसियस टू फिक्स द लीकिंग टैप्स। अब आपको पता होगा कि कुछ घर में ऐसा होता है कि टंकी, जो हमारी टोटी जो होती है वो बह रही होती है, टाइट कसते नहीं हैं, बच्चे होते हैं घर के छोटे, चलो वो तो छोटे हैं मगर बड़े भी कभी कभी ऐसा करते हैं, सही से टंकी बंद नहीं करी, टोटी बंद नहीं करी और चले गए, पानी गिरा जा रहा है, एक एक बूंद करके भी गिरती है तो वो दो एक दो बाल्टी दिन में तीन चार बाल्टी बह जाती है अगर हम एक एक बूंद भी गिराएं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी लीकेज है तो लीकेज को उसे सही करके रखें, या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, जहाँ हम एक बाल्टी में नहा सकते हैं तो वहाँ तीन बाल्टी ना यूज़ करें। ठीक है, अगर हम आधी बाल्टी बकेट यूज़ करते हैं तो हम आधी बकेट यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। ठीक है, जब आपका काम आधे में हो सकता है तो पूरा भर के क्यों उसे बर्बाद करना। अब आप चाह रहे हैं कि भाई मज़े के लिए खाली पानी बहा रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर पानी ही नहीं है, दूसरे कंट्रीज से खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उन लोगों से पूछिए कितनी ज़रूर इम्पॉर्टेंट है पानी की, कितनी अहमियत है। आप लोगों को तो फ्री में मिल रहा है, बस टंकी खोलते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, नहाने लगते हैं। ठीक है, टैप खोली, टोटी खोली, शावर खोला, नहाने बैठ गए, हमें इसकी अभी अहमियत पता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को सफ़र नहीं किया है। ठीक है, हमारे ऊपर गुजरी नहीं है, जिन लोगों पर गुजर रही है, जिन लोगों को एक एक बूंद पानी खरीदना पड़ता है, एक एक बूंद पानी पैसा होने के बावजूद, खूब जेब में पैसा है मगर खरीदने पर भी पानी नहीं मिलता है, उन लोगों से पूछिए पानी की अहमियत क्या है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को कंजर्व करना चाहिए। बकेट्स एंड मग्स शुड बी यूज़ फॉर डिफरेंट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, और हमारे जो बकेट्स और मग हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। जैसे क्या करते हैं, डायरेक्ट शावर ओपन करा, नहाने लगे, नहाते जा रहे हैं, नहाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा पानी नहीं गिरेगा। अगर हमें जितना पानी चाहिए हम एक मग डालेंगे तो एक मग ही यूज़ करेंगे, उसमें क्या है, टंकी खुली हुई है, अगर हम नहा भी नहीं रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, अगर सोप यूज़ कर रहे हैं हम, तो उस टाइम भी हमारी टोटी खुली हुई है, गिरा ही जा रहा है, गिरा ही जा रहा है। अगर हम मग का यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, जब हमें पानी चाहिए होगा तभी हम मग से पानी भरेंगे, डायरेक्ट अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो गिरता रहेगा।
रेन वाटर शुड बी हार्वेस्टेड एंड यूज फॉर गार्डन एंड प्लांट्स, और जो बारिश का पानी है उसे हार्वेस्टेड करना चाहिए, उसे हार्वेस्ट करना चाहिए एंड यूज़ फॉर ग्रीन गार्डन गार्डन्स एंड प्लांट, और प्लांट और गार्डन के लिए उसे यूज़ करना चाहिए। जैसे हम बारिश का पानी पी तो नहीं पाते हैं, तो उसे हमें खेतों में गार्डन्स के लिए, प्लांट उगाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, पानी को बचा के उसका इस्तेमाल करते हैं। कंजर्विंग एनर्जी, एनर्जीज को बचाना, जैसे द प्राइम यूज़ ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस विच पावर द व्हीकल वी ड्राइव। अब आपने सोच, आपको पता होगा इस टाइम सबसे ज़्यादा एनर्जी हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम के तौर पे, गैस के तौर पे, ऑयल के तौर पे, तेल के तौर पे, किसमें, अपने व्हीकल्स में, अपने गाड़ियों में सबसे ज़्यादा। ठीक है, यूज़ ऑफ व्हीकल शुड बी अवॉइड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अब आप अपने घर से अगली गली में जा रहे हैं तो वहाँ पर बाइक लेने से अच्छा है पैदल ही चले जाएं, पैदल नहीं जा रहे तो साइकिल ले जाएं। तो व्हीकल्स का यूज़ करना हमें कम करना चाहिए। शॉर्टर डिस्टेंस करीब जा रहे हैं तो अपने व्हीकल्स के बजाय आप साइकिल से चले जाएं, ठीक है, या पैर पैदल चले जाएं, करीब है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम पेट्रोल का यूज़ कम हो जाएगा हमारा। ट्राई टू यूज़ अ साइकिल वेयर एवल पॉसिबल, और जहाँ पर वेयर एवल, जहाँ पर भी पॉसिबल हो वहाँ पर आप साइकिल लेके जाइए। लोअर एनर्जी कंज्यूमिंग बल्ब एंड लाइट शुड बी यूज्ड, हमें वो वाले बल्ब, वो वाली लाइट्स यूज़ करनी चाहिए जिसमें एनर्जी कम हो, कम यूज़ होती हो, जैसे हमारी अब LED है, ठीक है। तो हमें ऐसे बल्ब यूज़ करने चाहिए जहाँ पर हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो। वी शुड ट्राई टू टर्न टू सोलर एनर्जी एज़ फार एज़ पॉसिबल, और हमें सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो, जितना भी हम कर सकते हो, उतना ज़्यादा इस्तेमाल हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उतना ही हमें सोलर एनर्जी यूज़ करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन कैन बी डन इन सेवरल अदर वेज, और ये नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन है वो अदर वेज में भी हम कर सकते हैं, जैसे सिंपली मेकिंग एन एफर्ट टू स्प्रेड द वर्ल्ड इज़ अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग योर बिट फॉर द वर्ल्ड यू लिव इन। खाली एक एफर्ट लगाना टू स्प्रेड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में फैलाना, फैलाने के लिए, इज़ अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग योर बिट फॉर द वर्ल्ड यू लिव इन। जिस दुनिया में, जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, खाली अगर आप कोशिश भी करेंगे तो वो आपके दुनिया के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपने कम से कम कोशिश तो करी, सब लोगों को समझा तो रहे हैं आप, दूसरों को, लोगों को समझाइए, उन्हें सब चीज़ों के बारे में बताइए, ठीक है। सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर टू फॉलो, और दूसरों के लिए ऐसी एग्जाम्पल सेट करिए कि वो उसे फॉलो करें। व्हेन कम्स टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जब नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप उन्हें बताइए, उन्हें करके बताइए, एग्जाम्पल्स दिए उन्हें, ठीक है, जिससे उन्हें समझ में आए। दैट इज़ सो फंडामेंटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इन दीज ट्राइंग टाइम्स, और आपको ये बताना चाहिए इन, जैसे कि अब आप ये सारी चीज़ें कंजर्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। लोगों को बताइए, एग्जाम्पल्स सेट कर करके बताइए, उन्हें एग्जाम्पल्स दिए, उन्हें अच्छे से समझाइए, आप भी उन सब चीज़ों पे अमल करिए, उन्हें वो सब एक्टिविटी करके दिखाइए जिससे उन्हें समझ में आए, ठीक है। मतलब दूसरों को भी हमें बताना है, अपना भी करना है, दूसरों को भी समझाना है कि इसका रिसोर्सेज का यूज़ कम करना है, ये सारी चीज़ें हमें कम करनी है, फ्यूचर के लिए भी बचाना है। अगर हम सारी चीज़ें अभी यूज़ कर लेंगे तो हमारे जो आगे वाली जो जनरेशन होगी उन लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर हम सारा पेट्रोल अभी ख़त्म कर दें तो आगे वाले लोग क्या करेंगे, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी बस ऐसे ही, पेट्रोल थोड़ी ना यूज़ कर पाएंगे। जो सारी चीज़ें हमें बतानी है, अपने आप को क्या करना है, अपने आप को भी समझाना है, दूसरों को भी इसकी टीचिंग देनी है, उन्हें बताना है, उन्हें समझाना है, और यूजेस इसके कम करने हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्या है हमारा, टिक द करेक्ट, तो हमें ये बुक में ही करना है, तो हाथ के हाथ करते हैं। चलिए, पहला क्या है हमारा, टिक द करेक्ट, तो आपको ये बुक में ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका क्या है, व्हाट डू द प्लांट गिव अस, हमें प्लांट क्या देता है, फूड देता है या ऑक्सीजन देता है। तो आपको पता होगा प्लांट हमें फूड भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्या है, इट इज़ यूज टू पम्प वाटर फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए, वाटर को पंप करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, हमने बताया था सोलर एनर्जी या एयर पावर या फॉरेस्ट। तो सोलर पावर जो होता है उसे यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, सोलर पावर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके फिर हम जो हमारे पंप होते हैं उसे चलाते हैं, ठीक है, खेतों में इरीगेशन के लिए, पानी डालने के लिए। तो आप, पहले का हमारा क्या हो गया सी, दूसरे का क्या हो गया हमारा ए, तीसरा है हमारा सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द मून, सन या स्टार। सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है, रिसीव फ्रॉम सन, सन से रिसीव होती है, कौन सी एनर्जी होती है वो, सोलर एनर्जी। तो इस पर क्या हो गया, बी, डैश हैज़ विंडमिल्स
डेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी विंड मिल्स होती हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? तो कौन सी जगह है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में विंड मिल्स बहुत सारे ऐसे बनाए हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विंड एनर्जी को यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, इसे भी हमें बुक में ही करना है। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, इसे भी हमें बुक में ही करना है। तो पहला क्या है हमारा इसमें, फर्स्ट क्या है फिल इन द ब्लैंक्स का? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम इनएग्जॉस्टेबल के नाम से भी जानते हैं। ये लिखा हमारा इनएग्जॉस्टेबल। आप यहाँ पर 1, 2, 3 करके मत छोड़ दिए गए, आपको लिखना है इनएग्जॉस्टेबल। स्पेलिंग यहाँ से देख लीजिएगा, इनएग्जॉस्टेबल पहले में आएगा। ठीक है, फिर है हमारा फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड, जो हमारी तेज़ चलने वाली हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, विंड और एयर में यही फ़र्क है। एयर हमारी सिंपल जो मूवमेंट होता है, और अगर हमारी एयर तेज़ चलने लगती है तो उसे हम विंड कह देते हैं। थर्ड क्या है? फॉरेस्ट आर नोन एज ग्रीन गोल्ड, फॉरेस्ट जो है हमारा किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड। और ब्लैक गोल्ड किसे कहा था मैंने? पेट्रोलियम, बताया था ना, हाँ याद रहना चाहिए। कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू माइनिंग, कोल जो हमारा अर्थ से एक्सट्रैक्ट होता है, निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है? माइनिंग के ज़रिए। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है, तरीका जो होता है, उसे हम कहते हैं माइनिंग, माइन करना। फिफ्थ है हमारा पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम डीजल, हमें सबको ही पता है पेट्रोलियम हमारा छाना जाता है, रिफाइन किया जाता है, किस लिए? टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा पेट्रोलियम रिफाइंड किया जाता है। पहला क्या है हमारा? इनएग्जॉस्टेबल। दूसरा वेन। तीसरा ग्रीन गोल्ड। चौथा माइनिंग। पांचवा पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे कॉपी में। ट्रू फॉल्स बुक में ही रहने देना है। ठीक है, बस और बस क्या करना है हमें कॉपी में? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बाकी सब बुक में। ट्रू फॉल्स का पहला क्या है हमारा? पेट्रोल एंड डीजल आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, ये कह रहे हैं जो हमारा पेट्रोल और डीजल है वो क्वांटिटी में लिमिटेड है, मतलब एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लिमिटेड है तो ये ट्रू हो गया। दूसरा क्या है हमारा? पहला हमारा ट्रू है। ठीक है, दूसरा क्या है? सेकंड, विन एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, ये कह रहे हैं विन एनर्जी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए। यस, इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं, हमने बताया था विंड मिल बनाए जाते हैं, विंड मिल फिर पंखे उसके घूमते हैं विंड एनर्जी की वजह से, फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों ही ट्रू है। थर्ड क्या है? लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट एयर, ये कह रहे हैं जो हमारी लाइफ है वो अर्थ पर पॉसिबल है, हम जी सकते हैं बिना हवा के, ऐसा नहीं हो सकता, अगर हमारी एयर ही नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे, तो ये तो गलत कह रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? थर्ड वाला फॉल्स। फोर्थ क्या है? कोल इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोल किस लिए यूज़ होती है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी ट्रू है, हम बिजली बना सकते हैं कोल की मदद से, तो हमारा क्या हो गया? ट्रू हो गया। चौथा, पांचवा क्या है हमारा? आवर कंट्री हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, ये भी ठीक कह रहे हैं, हमारी कंट्री में काफ़ी अमाउंट में कोल मिलता है, तो ये हमारा ट्रू है। बस हमारा थर्ड वाला फॉल्स है, बाकी हमारा फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला सब हमारा क्या है? ट्रू। सिर्फ और सिर्फ हमारा फॉल्स क्या है? थर्ड। अब नेक्स्ट आते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे, सिर्फ और सिर्फ कॉपी में क्या करना है हमें? यही। ठीक है, इन कॉपी, सिर्फ और सिर्फ यही हमें कॉपी में करना है, तो कॉपी में करना है ऑफ कोर्स, तो मैं कॉपी में ही दिखाऊंगा आपको इसके आंसर। तो आपको मैं कॉपी ओपन करके दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज है ना हमारा चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है आप लोग पेंसिल से काम करते हैं, इसलिए मैंने पेंसिल से ही आपको दिखाया है, मगर ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसलिए मैंने पेंसिल लिखे हैं कि आपको साफ नज़र आ जाएं। ठीक है, आपको करना किससे है? पेंसिल से, बार बार कह रहा हूँ, किससे काम करना है? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, यूज़ पेंसिल, किसका इस्तेमाल करना है? पेंसिल का, पेंसिल का इस्तेमाल करना है हर जगह, बुक में भी कॉपी में भी, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको साफ नज़र आ जाए। ठीक है, कॉपी में तो आपके मैं चेक कर लूँगा पेंसिल से, मगर आपको वीडियो में साफ नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने पेंसिल की जगह पेन का यूज़ किया है आंसर में। तो पहले क्या करेंगे हम? पार्ट लिखेंगे। पार्ट क्या होता है हमारा? 8। पूरा आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, पार्ट लिखिए पहले 8, चैप्टर नंबर 8 लिखिए। यहाँ पर क्या करेंगे? डेट लिखेंगे, किस दिन की? सेम डेट लिखेंगे जो बुक में लिखेंगे। और कौन सी डेट होनी चाहिए? वो जो वीडियो जिस दिन अपलोड होगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है आपको, यहाँ पर भी बुक में भी। नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर का नाम लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ये आपको उतारना है, वाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। आप अपने आप पेंसिल से ही उतारेंगे वाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है क्वेश्चन वाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर पेंसिल से ही लिखेंगे आंसर भी।
आपको पेंसिल ही इस्तेमाल करनी है, मैंने पेन यूज़ करा है, आपको यूज़ नहीं करना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, वाटर, वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर गिफ्टेड टू अस बाई नेचर एंड आर यूज बाई अस टू स्टे अलाइव। ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, फॉरेस्ट, एनिमल एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर गिफ्टेड टू अस बाई नेचर एंड आर यूज बाई अस टू स्टे अलाइव, ठीक है। ये हमारा आर है, ये एंड है, ये अस है, ये बाई है, बी वाई बाई। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है कि हमारे नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखिएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस तरह से जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ना पूरा, ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर टू लिखेंगे, पेंसिल से, किससे, पेंसिल से, रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इसके बारे में मैंने लिखा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश, सनलाइट, वाटर, एयर एंड एयर आर कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हो गया। आपको लग रहा होगा ये आंसर बड़ा है, मगर आंसर बड़ा नहीं है ये, इसमें दो क्वेश्चन है ना, एक रिन्यूएबल रिसोर्स का हो गया हमारा, अब नॉन रिन्यूएबल का पूछा है तो इसकी डेफिनेशन लिख दिए। नेक्स्ट पेज पे हमने लिखा है यहाँ पर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, वंस दे आर एग्जॉस्टेड लाइक मेटल, कोल एंड पेट्रोलियम, दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश, दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। मैंने बताया था ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, एक बार ये ख़त्म हो गए जैसे मेटल, कोल या पेट्रोलियम, तो वो दोबारा कभी दोबारा रिप्लेस नहीं पाएंगे, मतलब दोबारा बन नहीं पाएंगे, बनेंगे भी तो बहुत साल लग जाएंगे, ठीक है। और इन रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, और हमने यहाँ रिन्यूएबल का बताया था कि ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा तैयार हो सकते हैं, जैसे हमारी सनलाइट, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारा पूरा आंसर हो गया ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक बताया, और फिर हमें नॉन रिन्यूएबल भी बताना था, तो नॉन रिन्यूएबल यहाँ से यहाँ तक बताया। आपको सिंपल क्या करना है, इन्होंने पूछा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बताइए, तो हम दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ लेंगे, दोनों एक साथ लिख देंगे, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री पेंसिल से लिखेंगे, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्वेश्चन मार्क लगा के फिर आंसर नंबर थ्री पेंसिल से लिखेंगे, फॉरेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड एंड ऑक्सीजन। फॉरेस्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन। फिर ये हमारा प्लांट हमने गलत लिख दिया था, तो ये इसे मत देखिए, ये नहीं है, यहाँ सेफ स्टार्ट, ठीक है। दे प्रोवाइड शेल्टर, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, SOIL है ये डी नहीं है, ये क्या है, SOIL, ठीक है, ये क्या है हमारा, SOIL। दे प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, शेल्टर यानी घर प्रोवाइड करते हैं, किसे, जानवरों को, हमें ताज़ा हवा देते हैं, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम द रूट्स, लीव्स एंड इवन बार्क्स ऑफ द सम ट्रीज, हेंस दे आर नोन एज ग्रीन गोल्ड, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रीन गोल्ड। इन्होंने क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा है, तो मेरे हिसाब से इतना ही पूरा लिखना पड़ेगा हमें, बड़ा नहीं है आंसर, ये बहुत छोटा आंसर है, मैंने एक्सपेंड करके बड़ा बड़ा करके लिखा है ना, दूर दूर करके, इसलिए लग रहा है आपको, मुश्किल से 3 लाइन का आंसर है, 4 लाइन का, ठीक है। ये दोनों लाइन अगर मैं करीब करीब लिखूँ तो 4 लाइन में आएंगी, तो ये हमारा आंसर बड़ा नहीं है, आप देख लिए आंसर, ठीक है। फॉरेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड एंड ऑक्सीजन, दे प्रोवाइड शेल्टर, फ्रेश एयर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर मेडिसिन आर मेड फ्रॉम द रूट्स लीव्स एंड इवन बार्क्स ऑफ द सम ट्रीज, फिर फुल स्टॉप, हेंस दे आर नोन एज ग्रीन गोल्ड। मैंने बताया था फॉरेस्ट को हम ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा थर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कोल और उसकी इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी अहमियत क्या है, कोल जो है हमारा वो क्या है, उसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट निकला है, बताना है उसकी अहमियत क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फोर के बाद आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूरा फोर लिखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखेंगे आप, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, पेंसिल से ही करना है आपको सारा काम, फिर आंसर नंबर फोर भी पेंसिल से लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आंसर नंबर फोर में, कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू माइनिंग, फुल स्टॉप, इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फुल स्टॉप,
इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पर हमने दो बार लिख दिया है, तो ये आप ये वाला हटा दिए, ठीक है, एक हटा दिए, ये वाला हटा दिए, एक ही बार लिखना है, इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है, इसे हटा दिए। क्या लिखना है आपको, कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू माइनिंग, इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल टू कुक फूड, टू रन स्टीम इंजन एंड फैक्ट्रीज, दुर कंट्री, अवर कंट्री, सॉरी सॉरी इट्स नॉट दुर, इट्स अवर, ठीक है, अवर कंट्री हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ कोल बट दे विल गेट एग्जॉस्टेड इफ यूज केयरलेसली। कोल हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, ज़मीन से निकाला जाता है माइनिंग के ज़रिए, MINING माइनिंग, इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर फ्यूल, फ्यूल के तौर पर भी इसे यूज़ किया जाता है, कैसे, खाना बनाने के लिए, स्टीम इंजन चलाने के लिए, और फैक्ट्रीज़ में जो हमारे भट्टियाँ जलती हैं या फैक्ट्रीज़ में मशीनें चलती हैं वो भी कोल के तौर पर चलती हैं, कोल के यूज़ से। अवर कंट्री हैज़ लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, हमारी कंट्री में कोल का बहुत ज़्यादा रिजर्व है, काफ़ी अमाउंट में कोल मिलता है, बट दे विल गेट एग्जॉस्टेड इफ यूज़ केयरफुली, मगर अगर ज़्यादा है तो भी हम ये नहीं सोच सकते कि हम इसे केयरलेसली यूज़ करेंगे, अगर हम ऐसे ही केयरलेसली लापरवाही के साथ यूज़ करते रहे तो ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे कंट्री से ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा फिर, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, मिनरल्स का इंपॉर्टेंस बताना है हमें, तो मैंने बताया था आपको, पीछे पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखेंगे आप पेंसिल से, पूरा लिखेंगे, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स, फिर आंसर नंबर 5, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोग्रेस, हमारे प्रोग्रेस के लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवर इंडस्ट्रीज डेवलप विद द हेल्प ऑफ मिनरल, हमारी इंडस्ट्री जो है वो किस कैसे डेवलप होती है, मिनरल्स की वजह से ही डेवलप होती हैं, इंडिया इज़ मिनरल रिच कंट्री, हमारी जो इंडिया है ये एक मिनरल रिच कंट्री है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल मिलता है इसके अंदर, हमारे इंडिया के अंदर बहुत अमाउंट में अलग अलग तरह के मिनरल्स मिल जाएंगे आपको, इंडियाज़ मेजर मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूड, इंडिया के अंदर जो मेजर मिनरल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर क्या क्या है, कोल, आयरन ओर, क्या है, एक कोल है, आयरन ओर है, ये ओर है, ओ आर ई ओर, कोल, आयरन ओर, ये हमारे मिनरल्स की एग्जाम्पल हैं, ठीक है, माइका, बॉक्साइट, BAUXITE, बॉक्साइट, नेचुरल गैस, लाइम स्टोन, एक्सेट्रा, ये क्या हो गए हमारे मिनरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो गए। फिर लास्ट में हमारा क्या करेंगे, हम हाफ ईयरली कोर्स कम्प्लीटेड लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, सारा काम आपको, एक एक काम, हर काम आपको पेंसिल से करना है, पेन का इतना सा भी इस्तेमाल नहीं करना है कि आप पॉइंट बना दें, ठीक है, आपको इतना सा भी इस्तेमाल नहीं करना है पेन का, सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करना है, पेंसिल का। क्वेश्चन आंसर फिर से देख लिए, कुछ मिस हो गया हो तो आप देख लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पहले मैंने बताया था व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज पूरा बताया मैंने, नेचुरल रिसोर्सेज में एयर, सनलाइट, लैंड, फॉरेस्ट, ये एनिमल, ये सारे हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, उसके बीच में हमें डिफरेंशिएट करना था, पहले हमने यहाँ पर देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पूरी डेफिनेशन लिखी थी, वो रिसोर्स जो इनएग्जॉस्टेबल हो, जो खत्म ना हो और हम उसे रिप्लेनिश कर पाएँ, मतलब दोबारा यूज़ कर पाएँ, जैसे एक दिन हमने सूरज की रोशनी खूब यूज कर ली, खूब यूज़ करी, खूब इस्तेमाल करी, मतलब पूरी तरीके से इस्तेमाल कर दी सूरज की रोशनी, फिर अगले दिन हम दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे, सूरज दोबारा निकलेगा, दोबारा इस्तेमाल करेंगे, ख़त्म नहीं होगी कभी, ऐसे रिसोर्स को कहते हैं हम रिन्यूएबल। फिर हमने नॉन रिन्यूएबल की भी डेफिनेशन लिखी, क्योंकि इन्होंने दोनों की पूछी है ना, तो नॉन रिन्यूएबल की लिखी कि वो अवेलेबल होता है लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब जैसे कि अगर हमारा पेट्रोल है, मान लो हमारा पेट्रोल 100 क्विंटल है, तो 100 क्विंटल मतलब 100 क्विंटल के बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाएगा ना, तो वो हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, वंस दे आर एग्जॉस्टेड, अगर वो एक बार ख़त्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो हम दोबारा उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, दोबारा नहीं बना पाएंगे, और ऐसे रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट इतना उसकी इतना ज़रूरत क्या है, फॉरेस्ट की इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉरेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दे प्रोवाइड अस फूड, हमें फूड और ऑक्सीजन देता है, सबसे मेन तो हमारा ऑक्सीजन, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, और फॉरेस्ट काटेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं जंगलों को काटना नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमें वो जानवरों को शेल्टर यानी घर देते हैं, ताज़ा हवा हम लोगों को मिलती है, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, अलग अलग तरह की दवाएं हम उनकी छालों से, उनकी जड़ों से, उनकी टहनियों से हमें क्या मिलती है, दवाएं मिलती हैं, हेंस दे आर नोन एज ग्रीन गोल्ड, इसी वजह से हम इसे ग्रीन गोल्ड के नाम से भी कहते हैं, हरा सोना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर हमारा 4 था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोल एंड इट्स यूज़, कोल और उसके यूज़ पर हमें शॉर्ट नोट लिखना था, तो कोल का मैंने बताया पहले, कोल क्या है, हमारे अर्थ से माइनिंग करके निकाला जाता है,
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यानी बिजली बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इट इज़ ऑल्सो यूज एज फूल फ्यूल फ्यूल के तौर पर भी यूज़ होता है, खाना पकाने के लिए, स्टीम इंजन चलाने के लिए, या फैक्ट्रीज में काम जो होता है उसमें कोल का यूज़ करते हैं मशीनें चलाने के लिए। हमारे कंट्री में ये कह रहे हैं जो हमारा कोल है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, मगर अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहे बिना परवाह किए, लापरवाही से, तो क्या होगा, एक दिन ये ऐसा ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि मिनरल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमने बताया मिनरल एक बहुत इंपॉर्टेंस हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? मिनरल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर प्रोग्रेस, हमारे प्रोग्रेस के लिए। अगर कोई कंट्री है उसके पास ज़्यादा अमाउंट में मिनरल है, तो वो उसके प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है, प्रोग्रेस मतलब बढ़ाने में। अवर इंडस्ट्री डेवलप विद द हेल्प ऑफ मिनरल, मिनरल की मदद से ही हमारी इंडस्ट्री बढ़ती है, ठीक है। इंडिया इज़ मिनरल रिच कंट्री, इंडिया बहुत ज़्यादा मिनरल रिच कंट्री है, मगर इसकी फिर एग्जांपल दी थी जैसे कोल, आयरन ओर, फिर नेक्स्ट पेज पे भी बॉक्साइट, माइका, नेचुरल गैस, लाइम स्टोन, ये सारी क्या है इसकी एग्जांपल हो गई। यहाँ पर आप लिख दिया हाफिली कोर्स कंप्लीटेड, चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बुक पे भी आप लिखेंगे हाफिली कोर्स कंप्लीटेड। मैंने यूज़ पेंसिल लिखा है यानी पेंसिल का इस्तेमाल करना है हर जगह, कॉपी में या बुक में। कॉपी में मैंने पेन यूज़ करा है, आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इसका सिलेबस देखिए दोबारा। सिलेबस में हाफली एग्जाम में क्या आने वाला है आपका, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। 1, 2, 3, 4 नहीं पढ़ना है आपको, या आपने टेस्ट दे दिया है इसका, एग्जाम में नहीं देना है इसका। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आप, 6 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ 5, 6, 7, 8 का ही पढ़ेंगे। तो हमारा 8 भी आज कंप्लीट हो गया, तो हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।